पंजाब की धरती से कुछ अकौथी नकली पास्टरां वालों ईसाईयत की आड़ में पखंडवाद फैला के भोले भाले सिखां दा शरीरक आर्थिक ते मानसिक शोषण करदे आ करवाया जा रहा धर्म परिवर्तन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी पीरी दे सिद्धांत अते इसनू प्रकाशमान करन वाली संस्था दे संस्थापक श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दी याद दे विच अज संसार भर विच बंदी छोड़ दिवस मना रहे सिख पंथ नू दास बहुत 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 बधाइयां देंदा हूं। अजिहे जोड़ मेल सानू अपना आत्म चिंतन करन अते अगलेरे पंथक सफर लई दरपेश औकड़ां अते संकटां दा सामना करन लई अते नवीआं संभावनावां तलाशन दे मौके हुंदे ने। खालसा जी, अज सिख पंथ दे वारसां दे सामने कई तरह दीआं चुनौतियां खड़ियां हन, जिवें पतित पुना, नशे, भारत विच घट रही सिख आबादी अते सिख नौजवानां दे प्रवास दा रुझान आउण वाले समें अंदर संकट प्रति संकेत है। पंजाब दी धरती ते कुछ अकौथी नकली पास्टरां वल्लों ईसाईयत दी आड़ विच पखंडवाद फैला के भोले भाले सिखां दा शरीरक आर्थिक ते मानसिक शोषण करदे आ करवाया जा रहा धर्म परिवर्तन ते इस मसले ते सरकार दी खामोशी साडे लई चिंता दा विशा है। लंबे समें तों जेलां विच बैठे साडे संघर्षी योधे अपने घर परतन दी उड़ीक कर रहे हन अते असी देश विदेश अंदर गुरद्वारियां दे प्रबंधां ते काबज होण लई लड़ाइयां लड़ रहे हां। इह लड़ाइयां वक्त अते धन दी बर्बादी तों अलावा साडे अंदर धड़ेबंदियां ते नफरत पैदा कर रहीआं हन। सिख बंदियां नूं रिहा करवाउण लई अज रल के हंबला मारन दी लोड़ है। खास तौर दे उते प्रवासी सिख जिहड़े भारत तों बाहर रहिंदे ने भारत सरकार दे बंद कन्न खोलन लई इन प्रवासी सिखां नूं अपील है कि रोस प्रदर्शनां तों अलावा अपनियां अपनियां सरकारां राहीं बंदी सिखां नूं रिहा करवाउण दे लई यतन करन। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों कीते जा रहे धार्मिक विद्यक ते मानव भलाई दे कारज सिख समाज नूं शक्तिवर बनाउण वाले हन ते इन्हां नूं होर निग्गर बनाउण लई उपराले होणे चाहीदे हन, पर साजिशां अते आपसी राजसी वखरेव्यां दे करके सरकार वल्लों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी अखंडता नूं भंग करन दीआं कोशिशां कीतीआं गईआं हन। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कमजोर करन दी सरकारी कोशिश नाल पंथ कमजोर ना होवे, इस लई सब पंथक धिरां नूं पंथ अते पंथक संस्थावां दी मजबूती लई इकट्ठे रहण दी बहुत वड्डी लोड़ है। खालसा जी, पंथक एकता दे पक्ष तों केवल राजसी एकता ही महत्वपूर्ण नहीं है, पंथ दीआं सब धिरां नूं एक न्यूनतम कार्यक्रम मिथ के सिख कौम नूं अगे लजाउण लई उसारू कम प्रोजेक्ट आरंभणे चाहीदे हन। सब पंथक धिरां गुरु हुकम विच बझ के गुरु दे भाव भावनी विच विचरण, सोशल मीडिया दी नजायज़ वरतों करके एक दूसरे ते दूषणबाजी ना करन तां ही कोई भले दा काम संभव है। विवेकहीनता धारण करदियां केवल जज्बाती राव विच बहना ते रहना हमेशा नुकसानदायक हुंदा है।
नशियां दे मारू हमलियां नू रोकण विच सरकारां पूरी तरह असफल रहियां हन। नशियां दी वरतों अते व्यापार दे संगठित ढांचे नू ढाउण विच दिख रही असफलता नू सोधन ते हल करन लई पिंड पिंड कमेटियां ते जत्थे बनाउण दी लोड़ है। केंद्र ते पंजाब सरकार अपने सब साधन अते शक्ति वरत के भी नशियां दे वरबार नशियां दे व्यापार वरतों नू रोकण विच सफल क्यों नहीं हो रहियां, यह गंभीर चिंता का विषय है। जात पात दियां वंडियां सदियां तो समाज ते बुरा प्रभाव पा रही हैं, जिसनू गुरु साहबान ने 239 साल की घालना नाल दूर करन दा राह दिखाया। अमृतधारी संगत ते पंगत दे विश्वासी सिखां नू तां जात पात दे कोड नू अपने पिंडां कस्बियां विचों दूर करन लई मानवी कदरां कीमतां दे धारनी बनना चाहिए। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।